तो दोस्तों, अगर आपको मन कर रहा हो चाउमीन खाने का तो देखिए, मैं मसालेदार चाउमीन बना रही हूँ दोस्तों। मार्केट जैसा नहीं, बट मैं मसालेदार बना रही हूँ और रिच बना रही हूँ। ठंडी बहुत है, ठंडे में लहसुन प्याज ये सब ज़्यादा खाना चाहिए, कैप्सिकम खाना चाहिए, कैबेज खाना चाहिए। तो देखिए, मैंने कैप्सिकम को काट लिया है, कैबेज को भी काट लिया है, पीस को छील लिया है, और ये पोटैटो है और ये अनियन है, सब मैं रेडी कर दी हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये कढ़ाई में तेल डाली हूँ गर्म होने के लिए। और इधर मैं चाउमीन डाली हूँ उबाल कर इसको डाली हूँ। पतला वाला चाउमीन है, देखिए, हक्का नूडल्स। तो दोस्तों, मैं सिंपल वे में चाउमीन बनाने जा रही हूँ, काफ़ी टेस्टी होने वाला है। आपका मुंह में पानी आ रहा होगा, तो आप भी ट्राई करें कैसे बनता है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं रखी हूँ, ये देखिए, ये देखिए। तो दोस्तों, तेल मेरा गर्म हो चुका है। आप भी बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना सकते हैं। सब सारे इंग्रेडिएंट्स को पहले कटिंग कर लीजिए। कटिंग करने के बाद आप इस तरह करिए। अब मेरा तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ पोटैटो एंड ऑनियन, दोनों एक साथ डालती हूँ दोस्तों, क्योंकि पोटैटो को सीझने की आवश्यकता होती है। दोनों एक साथ डालने से पोटैटो सीझ भी जाता है और अच्छे से फ्राई भी हो जाता है। अगर आप बाद में डालेंगे तो पोटैटो नहीं सीझेगा, क्योंकि अभी नया वाला पोटैटो है, आपका पोटैटो कच्चा रह जाएगा। दोस्तों, पहले मैं इसे फ्राई करूँगी। आप इसे मॉर्निंग में भी बना सकते हैं, इवनिंग में भी बना सकते हैं। मैं अधिकतर इवनिंग में बनाती हूँ और खाती हूँ। देखिए, मैं बना रही हूँ। तो दोस्तों देखिए, आलू अब फ्राई होने को है और आलू पक गई है। कैमरा थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, आलू पक गया है इस तरह से। इसे पकने के बाद अब मैं इसमें मटर डालती हूँ, ताकि मटर भी पक जाए। देखिए दोस्तों, आप मटर डालें और मटर को फ्राई होने तक इसे पकने दें, तब तक ये सीज नहीं जाता है। देखिए दोस्तों, तो फ्रेंड्स देखिए, कैबेज डाल दी हूँ इसमें, कैप्सिकम डाल दी हूँ। अब इसे मैं फ्राई करूँगी, जब से पानी इसका सूख नहीं जाए, अच्छे से मैं इसको फ्राई करूँगी। उसके बाद देखिए, ये स्पाइसेस हैं, ये चाउमीन के साथ दिया है, मैं इसे डालूँगी, ये डालूँगी और सॉस डालूँगी और थोड़ा डेली यूज़ वाला मसाला भी डालूँगी दोस्तों। तो फ्रेंड्स देखिए, सारा इंग्रेडिएंट्स है जो मैं फ्राई कर ली हूँ अच्छे से। दोस्तों, आप इस तरह फ्राई कर लें तो दोस्तों एक तरह का चाउमीन हो जाएगा। आप चाहें तो एक रात का डिनर भी हो जाएगा, सुबह का ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। तो दोस्तों, आप इस तरह से बना कर खाएं। शाम में मान लीजिए ग्रीन वेजिटेबल्स आप नहीं खा पाते हो, तो आप इस तरह कैबेज, कैप्सिकम, पोटैटो, पीस, अनियन, गार्लिक डालकर फ्राई कर सकते हैं दोस्तों। थोड़ा इसमें हल्दी पाउडर भी डाली हूँ, मिर्ची डाली हूँ, मैगी मसाला डाली हूँ। अब मैं इसमें चाउमीन डालूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा मैगी रेडी है, चाउमीन, सॉरी दोस्तों, चाउमीन मेरा रेडी है। अगर मैं नहीं दिखाऊँगी तो आप बोलेंगे नहीं दिखाए। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना स्पाइसी है। मैं चिली फ्लेक्स भी डाल दी हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ इसे सर्व करने। देखिए, पूरी तरह से मैगी फ्राई हो चुकी है। तो बाय दोस्तों, मेरे चैनल अगर अच्छा लगा हो और ये वीडियो आपका हेल्पफुल हुआ होगा जल्दी जल्दी मैगी बनाने या चाउमीन बनाने के लिए, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बाय दोस्तों।